उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच दुश्मनी सन 1948 से चला आ रहा है, जब से कोरिया उत्तर और दक्षिण में विभाजित हुआ है। 60 सालों से भी ज्यादा यह सीमा इस दुनिया में सबसे तनावग्रस्त सीमा में गिना जाता है। परंतु वर्ष 2017 जनवरी में ईश्वरीय भविष्यवाणी डॉक्टर पॉल दिनकरन को यीशु मसीह द्वारा प्राप्त हुआ। Now God showed me North and South Korea amazingly. और अब परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से उत्तर और दक्षिण कोरिया के विषय में दिखाया। Today they are enemy countries. आज ये दोनों शत्रु देश हैं। But you will see the processes beginning for those countries to unite together to display God's power among them. और आप देखेंगे कि एक प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें ये दोनों देश एक हो जाएंगे कि इन देशों में परमेश्वर की शक्ति प्रकट हो। परमेश्वर ने यह प्रकाशन डॉक्टर पॉल दिनकरन को तब प्रकट किया जब उनके मेल की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, परंतु दिन और महीने बीतते गए और आश्चर्यजनक रूप में वे दोनों 2018 जनवरी में विंटर ओलंपिक्स में भाग लेने का निर्णय लिए। South Korea has offered high-level talks at the border village of Panmunjom just a day after North Korea suggested that it was interested in sending a delegation to the Winter Olympics. एक सप्ताह पश्चात इस भविष्यवाणी की पूर्ति हेतु वह निर्णय एक और कदम आगे बढ़ा। But this is sports history in the making, and this will be a powerful emotional moment for the two Koreas, a united team. हाँ, उन्होंने एक ध्वज के नीचे विंटर ओलंपिक्स में भाग लेने का निर्णय लिया। North and South Korean athletes will march together at the 2018 Winter Olympics under a unified flag. North Korea and South Korea agreeing to form a joint women's ice hockey team for the Olympic Games, and the athletes will be marching together at the opening ceremonies next month. हमारे परमेश्वर जो मरुभूमि में सोता खोलते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेंगे, परंतु इस भविष्यवाणी की पूर्ति हमारी धार्मिकता वह विनम्रता पर निर्भर करती है। उस पूर्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि ये दुनिया सुख और शांति से जी सके।